सुबह से पहले जो है ना 40 नंबर का सवाल था, सुबह के बाद पैटर्न चेंज हुआ है, फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल है डे टू का, और सवाल है जी मई जून 18-31 का, मई जून 1831। देखते हैं इसको हम। JH लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोड्यूसिंग ए सिंगल प्रोडक्ट। इससे पिछले जितने क्वेश्चन है सब मैंने करवा दिए, मतलब आप घर में कर लेंगे अगर मैंने कुछ भी में छोड़े भी हैं। अच्छा, JH लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोड्यूसिंग ए सिंगल प्रोडक्ट। द ट्रांसफर प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू द इनकम स्टेटमेंट इज कॉस्ट प्लस ए फिक्स्ड परसेंटेज फॉर फैक्ट्री प्रॉफिट। ऑब्वियसली फैक्ट्री प्रॉफिट की फिक्स परसेंटेज एड होनी ही होनी है, तभी आपकी ट्रांसफर प्राइस बनेगी। द परसेंटेज हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर मेनी ईयर्स। परसेंटेज चेंज नहीं हो रही, वो हर साल एक जैसी ही रहती है। मैंने आपको एक सवाल लास्ट टाइम करवाया था जिसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स में फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज डिफरेंट थी और क्लोजिंग फिनिश गुड्स में फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज डिफरेंट थी। ओपनिंग में मेरे ख्याल 15% थी और क्लोजिंग में 24% आ रही थी, तो निकल कर आया था शायद। चलो ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर। प्राइम कॉस्ट दी हुई 252,000, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस दी हुई, यानी प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी शामिल है। रेवेन्यू दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिए हुए, आपको फाइनेंस चार्जेस दिए हुए, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एट 1 नवंबर 2016 18,000। ये बेसिकली मुझे बताएं 1 नवंबर 2016, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एट ट्रांसफर प्राइस एट 1 नवंबर 2016 1,08,000। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स की डेट कौन सी है, 1 नवंबर है। इसका मतलब है ओपनिंग फिनिश गुड्स में जो प्रॉफिट है वो ये दिया हुआ है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से, कितना 18,000 इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कैरी जनरल 18,000 का है जो माइनस कर देंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से और प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और कैरी आउटपुट भी शामिल है 34,000, वो भी हम माइनस कर देंगे, बल्कि वो माइनस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें शामिल है। तो आपको पता है कैरी आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ही आता है, एक्चुअली इनवर्ट की बेसिकली बात है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड एन अमाउंट फॉर बिल्डिंग इंश्योरेंस ऑफ 60,000। The following terms relating to building insurance have not been adjusted. An outstanding paid unpaid invoice of 3,000 for the year ended 31st October 2017. So, ye unpaid invoice hai, add kar denge, accrued expense hai. A payment in advance of 1,000 brought forward from the previous year ended 31st October 2016. Ye bhi add kar denge. Aur allocated of 75% of the total amount to the factory. Uska 75% admin ka factory mein jayega, building ka. Aur baki amount jayegi kisme, office mein. Zara isme zara gaur kijiyega sawal pe. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए आपकी जो बिल्डिंग इंश्योरेंस है ना उसकी अमाउंट कितनी है, इंश्योरेंस की अमाउंट आपको दी हुई है कितनी, 60,000, राइट। इसमें जो एक्रूड है 3,000 वो हम ऐड कर देंगे बेटा, यानी वो अनपेड इनवॉइस आपने अभी तक पे नहीं की, और जो प्रीपेड है 1,000 की वो भी ऐड कर देंगे है? और 64,000 जो आएगा इसका 75% यानी कि 48,000 जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में और बाकी जाएगा एक्सपेंसेस में। सर ये 1,000 है क्यों किया है, वेरी गुड, गौर करें। पेमेंट इन एडवांस प्रीपेड है, दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st अक्टूबर 2016। वो इस साल के एंड का प्रीपेड नहीं है, वो पिछले साल का प्रीपेड है। तो पिछले साल का प्रीपेड ब्रॉट डाउन एक्सपेंस अकाउंट अगर आप बनाए तो वो एड होता है, माइनस नहीं होता। तो यहां से यह सवाल बच्चों का सारा गलत हो गया था जब बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था पेपर में, क्योंकि उन्होंने प्रीपेड माइनस कर दिया। अनपेड इनवॉइस तो आउटस्टैंडिंग है ना, वो 2017 की है, एक्रूड का जो दिया हुआ है वो एंडिंग है, एक्रूड एट द एंड ऐड होते हैं, लेकिन प्रीपेड एट द एंड माइनस होते हैं, लेकिन प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऐड हो जाए। 64,000 का 75% लेंगे तो वो जाएगी आपकी बिल्डिंग इंश्योरेंस के नाम से फैक्ट्री ओवरहेड्स में। आगे जाते हैं हम, अगली बात जो बता रहा था मैं वो है इसकी प्रोविजन की। देखिए जी आपकी जो 1 नवंबर की इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री जो 1 नवंबर की दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको, अगर हम गौर करें वो है जी 1,08,000। इस 1,08,000 में कितना प्रॉफिट शामिल है, 18,000। तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर आपका, कॉस्ट कितनी आ गई, 90,000। तो आप इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी जी 18,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 जी क्या आती है परसेंटेज, दैट इज बिकम इक्वल टू, सो 20% इज द फैक्ट्री प्रॉफिट व्हिच इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग फिनिश गुड्स। निकला है, अब क्लोजिंग में भी 20% ही होगा, सारी बात है,
अब 96,000 में कैसे निकालेंगे आप, 20 डिवाइडेड बाय 120। सर क्लोजिंग में सेम क्यों है, उसने बताया है फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज पिछले कई सालों से चेंज नहीं हुई, ऊपर लिखा आखिरी लाइन रिमेन अनचेंज फॉर मेनी ईयर, द परसेंटेज हैज रिमेन अनचेंज फॉर मेनी ईयर्स। तो क्लोजिंग में भी वही 20% के हिसाब से आएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका जी 16,000। इसकी कॉस्ट निकालनी चाहे तो निकाल सकते हैं, 96,000 माइनस 16,000 तो दैट इज 80,000। इसका भी रेट निकालना चाहे वही आएगा, ऑब्वियसली 16,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 20%। निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने जान के निकाला है ऐसे समझाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बताएं जी, परसों समझ आएगी इसकी, दोबारा बताऊं रोहन आपको जी समझ आ गई है। फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज वो कहता है चेंज नहीं हो रही, सर कहां है फैक्ट्री प्रॉफिट, नहीं दिया हुआ। सर कैसे निकाला, हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स के अंदर जो फैक्ट्री प्रॉफिट की अमाउंट थी वो दी हुई है, 1,08,000 जो ट्रांसफर प्राइस पे दिया हुआ है यानी प्रॉफिट मिला के, इसमें प्रॉफिट कितना है 18,000 का। 1,08,000 में से आप 18,000 माइनस कर देंगे तो आपकी फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट आ जाएगी जो कि आएगी 90,000। इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, 18,000 प्रॉफिट है डिवाइड बाय 90,000 कॉस्ट है इनटू 120% आ गया। इसका मतलब है क्लोजिंग में जो ट्रांसफर प्राइस दी हुई है फिनिश गुड्स की उसमें भी 20% ही फैक्ट्री प्रॉफिट है, तो 96,000 का 20% डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि वो 20% कॉस्ट पे है, हमें ट्रांसफर प्राइस दी हुई है तो हमें मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 96,000 मल्टीप्लाई 20 ओवर 120 दैट इज 16,000, और 16,000 को फिर मैं 96,000 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास 80,000 आ जाएगी कॉस्ट, और उस कॉस्ट से भी अगर मैं फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना चाहूं तो वो 20% ही आएगी। समझ आ गई, अब हमने करना क्या, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने सब कुछ ही बनाना है इसके अंदर। बेसिकली अगर हम देखें, उसने कहा है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। एक्सप्लेन व्हाई ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माइट प्रिपेयर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अनलेस यू वोंट हैव द प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउ कैन यू फिक्स द सेलिंग प्राइस, यू नीड टू नो दैट व्हाट अमाउंट हैज बीन पेड in manufacturing the goods. The cost of production is an important part which includes all the direct cost and indirect cost which is incurred in manufacturing the product, manufacturing the goods. इसलिए cost of production जरूरी है ये निकालने के लिए कि हम कितना profit कमा रहे हैं, कितने की बेचनी चाहिए और हमारी cost कितनी आ रही है। तो manufacturing account बनाते हैं जिसका, it is going to be started from prime cost. अकाउंट हम बनाते हैं स्टार्ट हम करेंगे इसको जी डायरेक्ट मटेरियल से, इसमें आपकी आ जाती है जी रॉ मटेरियल ओपनिंग, वो तो है ही नहीं, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट किससे होगा, डायरेक्टली प्राइम कॉस्ट, जस्ट यू हैव टू राइट प्राइम कॉस्ट, क्वेश्चन प्राइम कॉस्ट से ही स्टार्ट होगा। प्राइम कॉस्ट उसने क्वेश्चन में आपको दी हुई है, वो कितने की दी हुई है आपको, पीछे चले जाते हैं हम, तो प्राइम कॉस्ट आपको उसने क्वेश्चन दी हुई है 2,52,000, 2,52,000 की प्राइम कॉस्ट है, वो मैं लिख लेता हूँ इधर 252,000। इसमें एड मैं करूंगा बेटा पहले कैरी नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आपने ऐड कर दिया गलती से, जो कि बेसिकली ऊपर ऐड होना था 18,000 का, मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, मेरे पास अगर रॉ मटेरियल परचेज होता तो मैं उसमें ऐड करता, अब नहीं है तो मुझे यही ऐड करना पड़ेगा, ये मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में देख लेते हैं हमारे पास कौन सी अमाउंट मौजूद है। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक ही दिया है सवाल में, कितनी अमाउंट का, 4,61,000 का फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको दिया हुआ है, 4,61,000 का। इसके अंदर भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बताता हूँ मैं किसकी करेंगे। 4,61,000 में आपने 64,000 जो है बिल्डिंग इंश्योरेंस,
इसका 75% फैक्ट्री में जाना है, उसने कहा है, लिखा है बेटा, कहते हैं द एलोकेशन ऑफ 75% ऑफ द टोटल अमाउंट टू द फैक्ट्री, तो कितना आ जाएगा 48,000 आपको फैक्ट्री में लेकर जाना पड़ेगा, इसका 461,000 में आप ऐड कर देंगे 48,000 जो कि फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा, जी बताएं कितना आता है, जी कितनी आपकी इफेक्टिव रेट की अमाउंट आ जाएगी जिसको ऐड करके हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे, 509,000 इसको हम ऐड कर लेंगे, then you will be having your total factory cost, इधर आपकी आ जाएगी जी total factory cost, total कर लें इसका, देखें total factory cost कितनी आती है हमारी, seven seven nine triple zero आपकी आ गई total factory cost, इसमें हम add कर देंगे work in progress ओपनिंग और इसी में से हम प्रेस कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग जो है वो हमें कितना दिया हुआ है जी, अगर आप गौर करें 28,000 का और क्लोजिंग दिया हुआ है 32,000 का, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग जो है वो दिया हुआ है 28,000 का और क्लोजिंग जो है वो आपको दिया हुआ है 32,000 का, तो ये आप आगे माइनस कर देंगे 4,000 क्योंकि नेगेटिव ही आ रहा है 4,000 आपका, आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज 775,000, 4,000 माइनस जो कर देंगे हम, ये आपकी आ जाएगी जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। इसमें आप क्या करना है, आपने ऐड करना है फैक्ट्री प्रॉफिट, फैक्ट्री प्रॉफिट के सवाल में आप फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करके लेके जाना पड़ेगा आपको जो कि 20% है, तो 775,000 का 20% निकालने कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी योर फैक्ट्री प्रॉफिट 1,55,000, ये हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड व्हिच इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट 930,000, ये आपके पास आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक हो गई जी बात। अब आपने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, बिल्डिंग इंश्योरेंस का पॉइंट था इसके अंदर 60,000 में 3,000 ऐड करेंगे अनपेड इनवॉइस थी और 1,000 प्रीपेड ब्रॉड डाउन था, प्रीपेड ब्रॉड डाउन भी आपका ऐड हो जाएगा 64,000 का 3/4, 75% का मतलब 3/4 होता है, यानी 48,000 फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएगा, बाकी जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर या एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये हमें लग करेगा वरना। अब हम क्या बनाएंगे जी इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जी हम निकाल देखते हैं, सबसे पहले आपकी इसमें क्या जाती है जी सेल्स, सेल्स लिखने रेवेन्यू लिखने बात एक ही है आपकी मर्जी है, रेवेन्यू आपका आ जाएगा 18,60,000, मैं लिख लूंगा जी इधर 18,60,000, इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें आपकी आ जाएगी जी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसमें हम ऐड कर देंगे जी परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स और सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड जो निकाली थी हमने, लेस कर देंगे जी हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देखते हैं जी पीछे जाते हैं, हमें दोनों चीजें ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइस पर क्वेश्चन में दी ही हैं, हमें कोई मुश्किल ही नहीं है कि यहां पर हर चीज ट्रांसफर प्राइस पे लिखते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग में इनकम स्टेटमेंट में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिटन ऑन ट्रांसफर प्राइस, फिनिश गुड्स हमें ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है 1,08,000 और 96,000, 1,08,000 हम लिख लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,08,000 एड मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड 9,30,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम माइनस कर देंगे जो कितनी है 96,000,
ये आपकी आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका आ जाएगा, जो एक्चुअल नहीं है लेकिन आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। मैं पहले टोटल करके क्या आता है जी हमारा, आई नीड टू से कि यहाँ पे क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1038000 वो माइनस कर देंगे हम 942 वो जो ऊपर लिखे हैं यानी ये वाला 942000 ओके 942000 अब जीपी कितना आ जाएगा जी 2802 1,60,000 में से 9,00,000 माइनस करेंगे तो ये तो नहीं आता, तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ही करनी होती यार, क्या हो गया अब ठीक है, बाकी भी साथ कैलकुलेशन को और भी साथ साथ करें कि गलती ना हो, इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, उसमें दो एक्सपेंसेस हमारे एक डिस्ट्रीब्यूशन है एक है वो एडमिन है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस कर देते हैं हम, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमें कितना दिया हुआ है जी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमें दी हुई है 2,16,000 और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 2,16,000 का दिया हमें और उसमें कैरिज इनवर्ट शामिल है 18,000 का जो आपको माइनस करना होगा, 2,16,000 में से आप माइनस कर देंगे 18,000 का कैरिज इनवर्ट, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आप लिखेंगे 34,000 कैरिज आउटवर्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में ही आता है, उसको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये 1,98,000 हो जाएगा। जितना एडमिन एक्सपेंस लिखेंगे हम, और एडमिन एक्सपेंस में आपको पता है एडमिन एक्सपेंस हमें दिए हुए कितने के 4,12,000 के, और उसमें आपके जो बिल्डिंग इंश्योरेंस की अमाउंट भी जानी है, 4,12,000 मेरे ख्याल वो शामिल है बिल्डिंग इंश्योरेंस के पैसे, एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड एन अमाउंट फॉर बिल्डिंग इंश्योरेंस ऑफ 60,000, तो पहले 60,000 माइनस करेंगे हम, ठीक है जी, बिल्डिंग इंश्योरेंस में से सॉरी 4,12,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, तो लिख रहा हूं मैं कितना आता है जी 352000 और इसमें फिर हम ऐड कर लेंगे कितना 64,000 का 1/4 48,000 वहां गया था ना, बाकी इसमें जाएगा, कितना आता है जी 36,88,000 हम दोनों ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, पहले कितना आता है माइनस बाद में करते हैं, 1,98,000 प्लस 368,000 टोटल कर लेंगे आप, तो आपका टोटल एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएंगे जो कितने आते हैं 566,000 ये माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें भी फैक्ट्री प्रॉफिट वगैरह सब कुछ अभी आपने करना है, और ये जो भी आपके पास आएगा बेसिकली ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्योंकि इसमें से फाइनेंस चार्जेस भी माइनस होंगे, लेकिन चले आप बताएं कितना आता है 352000 इसमें से लेस कर देंगे फाइनेंस चार्जेस, कितने फाइनेंस चार्जेस हमें कितने के दिए हुए, फाइनेंस चार्जेस हमें दिए हुए 28,000 हम यहां से माइनस कर देंगे जी, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, इट इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट लेकिन प्रॉफिट आ जाएगा जी, माइनस करने 3,52,000 में से 28,000
324,000। इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट आपको पता है आपने ऐड करना होता है, और उसमें से हम लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा डिक्रीज हो रही है तो फिर आपको ऐड भी करना पड़ेगा, लेकिन चलो मैंने अपने हिसाब से किया, ये 1,55,000 का था फैक्ट्री प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का हम अकाउंट बना लेते हैं, हमें समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अकाउंट बना लेते हैं हम, पता है इसमें क्या आता है, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो प्रॉफिट जो ओपनिंग इन्वेंट्री में बेटा वो तो पहले दिया हुआ है, उसने निकाल के क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, और क्लोजिंग में जो प्रॉफिट है वो कितना है वो भी हमने निकाला था 96,000 का, वो आता है 16,000। इसका मतलब है प्रीमियम डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, तो इनकम स्टेटमेंट यहां पे आएगी मीन इज गोइंग टू बी डिक्रीज बाय 2000, इट्स नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज, इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। आपको नीचे भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करनी पड़ेगी। पहले इसको बना देते हैं हम, ये टोटल आपका आ जाएगा जी 18,000। अगर आपका सवाल ये उठ रहा है कि सर ये कहां से आएंगे अमाउंट्स, मैं भी आपको शो कर देता हूं इसको लिखने के बाद। ये देखें, ये दिया हुआ 18,000 आपको ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री का प्रॉफिट, और क्लोजिंग का 96,000 मल्टीप्लाई 20/120 करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। प्रवीण आपको 18,000 से 16,000 में डिक्रीज करनी है 2,000 से, तो ये प्रवीण हमारी माइनस नहीं होगी बल्कि ऐड होगी, तो प्रवीण यहाँ पर हमारी ऐड हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी डिक्रीज इन प्रवीण जो कि कितनी है हमारी 2,000 की, ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,57,000, ये आप ऐड कर देंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा जो कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट में। अब ये बता ही रहा है कि 3,24,000 प्रॉफिट हमें कहां से मिल रहा है, ऑफिस से। 1,57,000 प्रॉफिट हमें कौन जनरेट करके दे रहा है, फैक्ट्री जनरेट करके दे रही है, ये मतलब है इसका। कितना आएगा जी 4,81,000, 4,81,000 हमारा जो है वो प्रॉफिट आ गया, जिसमें से 1,57,000 इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री, क्योंकि वो हमें कमा के दे रही है। बाकी जो 3,24,000 है वो हमें ऑफिस जो है वो कमा के दे रहे हैं, उसको इस तरीके से सॉल्व कर लिए। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आगे हम देखते हैं कि और क्वेश्चन में हमें क्या डिमांड की हुई है उसने। कहते हैं प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। आगे द सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम द फैक्ट्री प्लस ए मार्कअप। Bob, the financial director of JH Limited, has been notified that their main competitor has increased prices. He wishes to increase the fixed percentage of the transfer price by 5%. The other directors are concerned that this will affect profit. Profit per iska kya aega? Effect aega. Advise the director whether or not they should increase the transfer price. Justify your answer using any relevant calculation. Calculation bhi kya hai? Kya karenge aap? 5% per bhi increase kar denge. यानी कि प्रीमियम 20% जा कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। तो प्रवीण अगर 25% हो जाएगी तो रेलेवेंट कैलकुलेशन जो कह रहा है उसका मतलब है कि 7,75,000 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 25% है कि नहीं, निकालें 7,75,000 का 25% निकालें कितना आता है, 7,75,000 का 25% निकालें कितना आता है, 1,93,750। और प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो बनेगा आपका वो कितने का बनेगा, कहने जरा 1,08,000 का पहले निकालेंगे 25% हो गया ना, 1,08,000 का 25/125 कितना आता है जी, 21,600 नहीं यार, फिर देखो ज्यादा आना चाहिए 90,000, 96,000 का 25/125 कितना आता है,
19200। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, पर भी अभी भी डिक्रीज ही हो रही है। अब कितने से डिक्रीज हो जाएगी, कितना मन बनता है डिफरेंस इसका? 2400। तो प्रीमियम आपकी डिक्रीज कर देगी आप 2400 से, तो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 2400 प्लस, सॉरी ऐड कर दूंगा 2400। तो बताएं प्रॉफिट में कितना इजाफा हो गया, यानी इफेक्टिव प्रॉफिट की वजह से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट तो आपका, इफेक्टिव प्रॉफिट तो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो मेरा ख्याल डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगी ना इधर, ये जीपी आपका कम कर जाएगा, ये प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर जाएगा आंसर प्राइस होने की वजह से। नेट प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर देगा, इफेक्टिव प्रॉफिट आपका 196150 से इंक्रीज कर जाएगा। अब मसला ये है कि वो कैलकुलेशन तो हमने शो कर ली है, लेकिन वो पूछ रहा है कि आप इफेक्टिव प्रॉफिट को इंक्रीज करें या ना करें। वी विल नॉट इंक्रीज द इफेक्टिव प्रॉफिट बिकॉज़, सॉरी, वी विल इंक्रीज द इफेक्टिव प्रॉफिट बाय बिकॉज़ इफ द कंपटीटर हैज इंक्रीज द प्राइसेस एंड इफ द सेम गुड्स वी कैन परचेज द सेम गुड्स फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर बाय 5% इंक्रीज, वी विल इंक्रीज द इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्वियसली, बिकॉज़ इफेक्टिव प्रॉफिट होता क्या है, वही अमाउंट होती है जो बाहर से आप चीज खरीदते हैं उसकी प्राइस क्या है। कंपटीटर ने अगर प्राइसेस इंक्रीज कर देंगे अपनी, इसका मतलब है दैट इज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर एट 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, फैक्ट्री प्रॉफिट परसेंटेज आपको आप बढ़ा देंगे, और उससे प्रॉफिट पर इंपैक्ट पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव इंपैक्ट कोई नहीं आएगा। रेलिवेंट कैलकुलेशन भी उसने कहा है, तो उससे भी आपका प्रॉफिट पर इंपैक्ट बेहतर आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन दोनों की पूछ रहा है, यानी कि उसने सिर्फ ये वाली नहीं पूछी है, इसका इंपैक्ट इसमें भी पूछ रहा है, यहाँ पर भी इंपैक्ट जो पूछ रहा है वो भी आपको शो करना पड़ेगा, उसकी वजह से जीपी पर क्या इंपैक्ट आ रहा है ये भी वो। ये तो 1,08,096 तक मिलेगा ना, इसमें इंपैक्ट आएगा ना बस 9,30,000 का, ये 193 हो जाएगा ना, ये जो 1,55,000 है ये 193 ऐड हो जाएगा, 193 ऐड हो जाएगा तो ये अमाउंट और बढ़ जाएगी, ये अमाउंट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा ये कम हो जाएगा, फैक्ट्री प्रॉफिट बढ़ जाएगा लेकिन आपका ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट की अमाउंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आना है वो दिखाना है आपने, तब तभी पता चलेगा ना कि आप क्या ओवरऑल प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो सारा ही कुछ पूछ कर, तभी तो 7 नंबर दिए उसने इक्वेशन से प्रॉपरली सॉल्व करना है। देखा इनकम स्टेटमेंट के 9 नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के 5 है, इसके 7 है, क्योंकि आपने प्रॉपर शो करना है, करो दिखाओ करके शो दिखाओ। देखिए 19 यहाँ पे 9,30,000 जो लिखा हुआ है मैंने, अब 775,000 में ऐड करें 19,375 करें ऐड, क्या आता है? हाँ बाकी अमाउंट्स वही रहेंगी, प्रॉफिट पर जो इंपैक्ट आएगा वो आपने शो करना है, ठीक है, गुड। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, हम ये वाला क्वेश्चन है जी आगे हमारा, Nathan Akril is a sole trader who has recently run a manufacturing business for many years. His business manufactured one product, the Squam. Squam product ka naam hai. Isse prashan honi ki zurat nahi hai. Product ka naam hai basically Squam. Theek hai? On 1st January, there was 1000 Squam in inventory. During the year 10318 Squam were produced. On 31st December, there were 1240 Squams in inventory. Wo FIFO method for entry valuation apply karta hai. और उसने कहा है कि ये आपको इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है आपके सामने और ये सारी गलत है, आपने दोबारा इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, दोबारा बैलेंस शीट बनानी है, दोबारा इसे करेक्ट करना है। प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, करेक्टेड बैलेंस शीट, सारा कुछ कह रहा है करेक्टेड करके आपने बनाना है। अब इसमें हुआ क्या है, सिर्फ मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिसमें हुआ है। देखें इसमें, देखिए ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो दी हुई है यहाँ से पढ़ते हैं, production is transferred from the factory to the sales department at cost plus 40%. So, बताएं factory profit कितना है? Factory profit कितना है हमारा? Factory profit की percentage कितनी है? 40% factory profit की percentage है। आगे पढ़ें। Unfortunately, the bookkeeper was taken ill. Bookkeeper क्या हो गया भाई? बीमार। और Nathan Akril जो है decided that he would have to produce the financial statement himself. उसने कहा तू बीमार है कोई बात नहीं मैं खुद बनाता हूँ। भाई जब सर हारिस मौजूद है तो उनसे पढ़ लो आके, क्या जरूरत है खुद पंगे लेने की कि हम सब कुछ खुद समझेंगे, नहीं समझ आएगी, सब कुछ गलत बन जाएगा। तो क्या हो, क्या किया उसने, खुद बनाई जिसकी वजह से ही डिड नॉट नो
हाउ टू वैल्यू द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट दैट डेट, उसे ये नहीं पता था कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है. Therefore, he decided to value each stamp at the same value as had been used on 1st January. लिहाजा उसने फिनिश गुड्स को जो ओपनिंग इन्वेंट्री में पर यूनिट कॉस्ट थी उसी पर वैल्यू कर दिया. कैसे, इसको जरा देखिए कैसे वैल्यू कर दिया. ओपनिंग इन्वेंट्री में कितने स्क्वैम्स थे हमारे पास, पहले ये देख लेते हैं. 1000 ओपनिंग इन्वेंट्री में 1000 स्क्वैम्स थे ना. ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारे स्क्वैम्स कितने हैं, 1000. क्लोजिंग में कितने हैं, 1240. आप देखते हैं हमने किया क्या है. ये देखिए फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी लिखी हुई हमने, 58,800. ये सारा गलत बना, आप इसको दोबारा करेक्ट कर लें, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ कुछ और है. 58,800 को डिवाइड करें कितने यूनिट से ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में, 1000. पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 58.8. अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स में कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स है, 1240, इसको मल्टीप्लाई कर दें 58.8 से, कितना आ जाएगा देखिए, 7.9. तो गलत, देखे वही आ रही 7.9, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपने जो ओपनिंग फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट थी 58,800 जो कि बचे थे 1000 स्टैम्प्स, 58.8 आती है, उसी से आपने क्लोजिंग फिनिश गुड्स को भी मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल ली, विच इज रॉन्ग. आपको कैसे निकालनी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग काउंट दोबारा बनाना है. लिखिए सवाल में, मैं लिखवा रहा हूं, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू, आप कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. Cost of production divided by units produced, उसके नीचे लिखें cost of production divided by 10318. उसके नीचे लिखें cost of production divided by 10318. जो भी आपकी cost of production निकलेगी उसको divide कर देंगे 10318 से. सर वो क्या है बेटा, वो units manufactured हैं जो आपने बनाए हैं, ये रहे 10318. तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको multiply करेंगे आप किससे, 1240 से. लिखें देखिए मैं लिखवा रहा हूं आगे, फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1240 मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट. फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1240 मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट. जो आएगा वो लिखेंगे. ये जो क्वेश्चन में आपके सामने दी हुई है 72192, ये गलत है. क्वेश्चन में आपके सामने दी भी है 72192, दिस इज रॉन्ग, दिस अमाउंट इज रॉन्ग, दिस अमाउंट इज रॉन्ग. आप 1240 को दोबारा नई पर यूनिट कॉस्ट जो निकालेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी सही वाली, और उससे आपकी फिनिश गुड क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्चुअल वाली निकलेगी जो कि सही होगी. ये गलत है, बस यही इस क्वेश्चन का पॉइंट था. बाकी तो आपने चीजों को एडजस्ट करना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्मेट पर लेके जाएंगे और इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर लेके जाएंगे चीजों को. ये सवाल कर करके लेके आना है आपने, ठीक है, क्योंकि इसी तरह मैं सवाल देता जाऊंगा और हम अपने कोर्स को कंप्लीट या वो करेंगे, ठीक है जी. तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं दोबारा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे.